तो ड्वेन जॉनसन द रॉक ने कर लिया है भाई एक तगड़ा हील टर्न। पर क्यों किया है, क्या है इसके पीछे के कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से ड्वेन जॉनसन द रॉक ने हील टर्न किया है और कैसे इस हील टर्न के बाद चीजें जो है वो और ज्यादा बेहतर होने वाली है। सही बड़ी वेलकम टू आवर चैनल नाम पैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टेट अवे चलेंगे गाइस हमारे पहले रीजन की तरफ, और जो पहला रीजन है ये सबके माइंड में आ रहा होगा और ये लॉजिकल रीजन भी है, दैट इज की क्योंकि फैंस ने टर्न किया था ड्वेन जॉनसन द रॉक के ऊपर। आपने देखा होगा कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया गया, रॉक को बहुत ज्यादा बू किया गया, रॉकी सक्स के हमने चैंस भी देखे। तो इन सारी चीजों के बाद ड्वेन जॉनसन द रॉक ने डिसाइड किया हील टर्न करने का। दूसरा रीजन है गाइस इसके पीछे, टू हेल्प द ब्लड लाइन बिकम्स मोर रेलेवेंट। अब देखो पिछले कुछ समय से आप ये मानोगे कि ब्लड लाइन का जो फैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हुए नजर आ रहा था। मैंने कई बार वीडियोस के अंदर भी बोली है ये बात कि अब वो वाली बात नहीं रही है ब्लड लाइन के अंदर। बट फाइनली रॉक ने इस हील टर्न के बाद भाई इस पूरी ब्लड लाइन फैक्शन को रेलेवेंट बना दिया। इवन इससे पहले वो इतने रेलेवेंट कभी भी नहीं थे, तो इतनी तगड़ी फैक्शन अब एक बार फिर से ये बन चुकी है ब्लड लाइन की रॉक के हील टर्न करने के बाद। तो रॉक ने हील टर्न ही नहीं किया बल्कि अपनी ब्लड लाइन को भी उन्होंने ज्वाइन किया और एक बार फिर से ब्लड लाइन इज एट द टॉप। तीसरा रीजन है बहुत ही ज्यादा जेन्युइन रीजन है और ये है कि टू मेक कोडी रोड्स बिगर बेबी फेस। अब ये बात साफ आ चुकी है कि WWE कोडी रोड्स को एक बड़ा बेबी फेस बनाने वाली है, फेस ऑफ द कंपनी बनाने वाली है, और यू नो उसको फैंस का सपोर्ट वो और ज्यादा से ज्यादा दिलवाना चाहती है। और इसके लिए WWE को क्या करना था, WWE को वही करना था जो फैंस को चाहिए। कोडी रोड्स के लिए सारी चीजें डिफिकल्ट करेंगे और उसके बाद फिर कोडी रोड्स जब वो चीजें अचीव करेंगे तब वो और ज्यादा बिगर बेबी फेस या बिगर सुपरस्टार बनेंगे। तो यहाँ पर रॉक का हील टर्न भी इस पूरे सिनेरियो के पीछे एक बहुत ही मेजर पार्ट रहेगा। अगला रीजन है गाइस कि एलिमिनेशन चेंबर में रॉक के हील टर्न के बाद एक रॉक को एक मैच मिल जाएगा, यानी कि हमें एलिमिनेशन चेंबर जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी इवेंट होने वाली है यहाँ के लिए एक मैच मिल जाएगा, मेजर मैच मिल जाएगा। अब एलिमिनेशन चेंबर रॉक के हील टर्न के बाद थोड़ा सा अब यहाँ पर हमें बहुत सारे सिनेरियोज मिल चुके हैं, बहुत सारे मैच के ऑप्शन मिल चुके हैं, जैसे कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, एक तरफ रोमन रेंस और रॉक, दूसरी तरफ कोडी रोड्स और उनके साथ सेथ रॉलिंस तो नहीं होंगे क्योंकि वो इंजर्ड है तो वो रेसल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर ट्रिपल एच किसी और को एड ऑन कर सकते हैं या खुद भी आ सकते हैं, अगर वो रेसल कर सकते हैं, आई डोंट नो वो फिजिकली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर कोई एड ऑन हो सकता है और फिर एक टैग टीम मैच बनाया जा सकता है, या फिर इवन हमें कोडी रोड्स और रॉक के बीच में एक वन ऑन वन मैच भी देखने को मिल जाए। तो यानी कि कुछ भी हो सकता है बट एलिमिनेशन चेंबर में हमें एक मैच देखने को मिल जाएगा जो कि एक बड़ा इवेंट है। तो हील टर्न से ये एक फायदा हो गया। चलेंगे अगले रीजन के पीछे गाइस। अगला रीजन है गाइस टू मेक द स्टोरी लाइन इवन बेटर। अब जो स्टोरी लाइन चल रही थी रोमन रेंस वाली, रॉक वाली या कोडी रोड्स वाली, ये जो भी सिनेरियो चल रहे थे रेसलमेनिया 40 को लेकर रॉयल रंबल के बाद से काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे थे। कुछ यहाँ पर चीजें थी जो कि अच्छी नहीं जा रही थी, जो कि फैंस नहीं पसंद कर रहे थे, बट देन WWE फैंस को चाहिए था कि WWE इस चीज को चेंज करे, इस चीज को अच्छा करे, और WWE ने वैसा किया और एक बेहतरीन स्टोरी लाइन यहाँ पर निकाल के दे दिया। फाइनली हमें शोज को देखने में इतना मजा आ रहा है कि इंतजार हो रहा है भाई कब आएगी नेक्स्ट रॉक, कब आएगी नेक्स्ट स्मैकडाउन, कब हमें कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे रिंग में, कब रॉक देखने को मिलेंगे, कब रोमन रेंस देखने को मिलेंगे, क्या होगा इन तीनों के बीच में, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। अगला रीजन है गाइस कि इस हील टर्न की वजह से रॉक कैन इवन रेसल मोर देन वन मैच। अब यहाँ पर पहले तो ये बात आ रही थी रॉक रोमन रेंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया में चले जाएंगे, बट यहाँ पर अब इस हील टर्न ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट डाल दिया है कि अब रॉक एक से ज्यादा मैचेस भी रेसल कर सकते हैं। एलिमिनेशन चेंबर में वो टैग टीम वाला मैच कुछ कर सकते हैं रेसल, या रेसलमेनिया की नाइट वन में वो कुछ मैच रेसल कर सकते हैं। तो दैट मींस अब सिनेरियोस जो है वो बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वाइड हो चुके हैं। अब रॉक एक से ज्यादा मैचेस रेसल कर सकते हैं जो कि भाई फैंस के लिए तो विन एंड विन सिचुएशन है, बिकॉज उनको तो वैसे भी चाहिए था कि रॉक मतलब आए ज्यादा से ज्यादा। तो अब आपके सामने रॉक है जो कि अब आपको सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पॉसिबली एक से ज्यादा मैच रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं। अगला और आखिरी रीजन है गाइस कि दिस विल स्टार्ट अ फैमिली वॉर। अब हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर आपने एक चीज ध्यान दी होगी तो रॉक ने शुरू में एक चीज बोली थी कि एक ही फैमिली है जो कि रॉयल फैमिली है, यानी कि वो अपने समोन फैमिली की बात करते हैं, और कोडी रोड्स का जो एंट्रेंस थीम है उसमें कोडी रोड्स बोलते हैं कि सिर्फ एक रॉयल फैमिली नहीं है। तो रॉक ने वहीं से टारगेट कर दिया था, कोडी रोड्स को करेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई एक ही फैमिली है रॉयल फैमिली, और उधर से कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं एक फैमिली नहीं है रॉयल फैमिली रेसलिंग वर्ल्ड में। तो अब हमें फैमिली वॉर देखने को मिल सकता है, यानी कि एक तरफ समोन फैमिली और दूसरी तरफ कोडी रोड्स जब अकेले हैं गोल्डस्ट को आई डोंट नो लाएंगे नहीं लाएंगे, तो हो सकता है कोडी रोड्स की जगह कोई और रॉयल फैमिली उनके साथ एड ऑन हो सकती है, जैसे कि रैंडी ऑर्टन उनके साथ ऐड हो सकते हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन की भी फैमिली अच्छी खासी रही है, तो वो आ सकते हैं। दैट मींस एक टैग टीम मैच वहां पर से बना सकते हैं WWE, या फिर अगर रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहे हैं तो WWE
होगी। मैकमैन में से किसी को ला सकते हैं, मैकमैन फैमिली भी भाई रॉयल फैमिली रही है रेसलिंग वर्ल्ड की, तो शेन मैकमैन में भी आ जाए, मे बी ट्रिपल एच अगर फिट इनफ है तो वो आ जाए। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक वॉर हो सकता है फैमिलीज के बीच में, एक तरफ समोन फैमिली, दूसरी तरफ कोडी रोड्स के साथ कोई और एड ऑन हो सकता है, और ये दोनों यानी कि कोडी रोड्स और वो नया मेंबर जो है वो रॉक और रोमन रेंस को बता सकते हैं कि भाई तुम अकेले समोन फैमिली जो है वो अकेले रॉयल फैमिली नहीं है, और भी रॉयल फैमिली रही है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। तो इस हिसाब से एक रेसलिंग वॉर हमें देखने को मिल सकता है फैमिलीज के बीच में, जो कि काफी एंटरटेनिंग हो सकता है, जो कि आने वाले समय में आपको पता चली जाएगा। तो गाइज ये मेरे रीजंस थे, आपके जो थॉट्स या ओपिनियंस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी ना तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड इस मैच सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।